हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाना। बिटवीन और भी वीडियोस हैं इस तरीके की जो बेड के पीछे का डिजाइन होता है उसके ऊपर, सो ये उनको भी जरूर चेकआउट करना। आगे बढ़ने से पहले यहां पर अगर आप मेरे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम सीखने वाले हैं ये डिजाइन, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट प्लगइन। सबसे पहले आपको डिजाइन बनाने से पहले अपने उस वॉल को डिसाइड करना है कि उसका साइज क्या है। सो यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि 14 फीट, 9 फीट ये मेरा वॉल का एक साइज है जिसके ऊपर ये डिजाइन मैं चाहता हूं। उसके बाद आपको शांति से एक और रेक्टेंगल को बना लेना है लाइक दिस, एक छोटा बड़ा जो भी एक रैंडम साइज है वो बना लेना, ठीक है। आपको प्रेस करना है टी बटन जिससे आपका मेजरमेंट टेप आता है। अब बारी आती है अपने इस प्रोफाइल्स को, इस बॉक्सेस को एनालाइज करना। सो एनालाइज में मुझे लग रहा है कि ये 45 डिग्री पर है, करेक्ट। उसके बाद यहां पर जो गैप्स हैं वो अपने आइडियल और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कंसीडर कर लूंगा। सो कंसीडर करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं कंसीडर ये करके चल रहा हूं कि ये जो मेरा जहां पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूं ये एक कंप्लीटली बॉक्स है और यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर सही से देखा जाए तो यस, ये जैसे बड़े वाला अभी फिलहाल ब्लू है तो नीचे इसका कलर बस मिरर है। सो इस तरीके से यहां पर कुछ चेंजेस है। यहां पर करना क्या है, मेजरमेंट टेप ले लोगे और उसके बाद यहां पर मॉडलिंग करना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले मैंने लिया यहां पर कंसिडर किया 2 फीट, फिर यहां पर 1 फीट एंड 6 इंचेस, देन उसके बाद यहां पर भी हम ले लेते 1 फीट एंड 6 इंचेस क्योंकि ये वाला बॉक्स ऐसा थोड़ा छोटा सा है, ठीक है। सो इस तरीके से एंड आफ्टर दैट यहाँ पर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसको ले लेते हैं हम 4 फीट पर क्योंकि एक बॉक्स हमारे बड़े वाला भी है, यहाँ पर भी ले लेते हैं 4 फीट पर। सो हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये वाला रेक्टेंगल है और यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर इसको 6 इंचज पे, 6 इंचज पर मैंने किया शिफ्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इस पर क्लिक, और क्लिक क्या करना है तो आपको सिंपल से रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करना होगा लाइक दिस। सो या लेट मी ड्रॉ द फ्यू रेक्टेंगल्स ओवर देयर। या अभी यहां पर इतना करने के बाद आप ऑलमोस्ट काम कर चुके हो। सो यस, अब इनको मैं कर लेता हूं फटाफट से सेलेक्ट, करूंगा मैं यहां पर डिलीट। डिलीट करने के बाद यहां पर अब आपको यूज करना है वो प्लग इन। उसके लिए आप सबसे पहले जाओगे एक्सटेंशन पर, यहाँ पर एक ऑप्शन है मल्टीपल ऑफसेट, आप इस पर क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले सारे फेस को कर लेना सेलेक्ट। अगर आप नहीं जानते कि कैसे ये इंस्टॉल होने वाला है, ऊपर है बटन हाईलाइट हो रहा है और इसका लिंक जो है प्लगइन का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसका नाम है मल्टीपल ऑफसेट। ऑफसेट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी इनले आपको दिख रही हैं इसका हमें बार बार ऐसा ड्रॉ ना करना पड़े, इसलिए मल्टीपल ऑफसेट का यूज़ करेंगे। आपको सिंपली क्लिक करना है, कॉन्स्टेंट पर क्लिक रखना है, हिट ओके करेंगे, जो भी आपका साइज है वो आप डाल लोगे। सो यहाँ पर मैं 0.25 इंचेस डाल रहा हूँ। ध्यान रखना 0.25 राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड ये डालेगा, जिसका मतलब 0.5 इंचेस की हमारी इनले ड्रॉ होगी। हिट ओके करूँगा, एक क्लिक में हमारा काम हो गया है। इनको मैं कर देता हूँ कुछ इस अंदाज में इरेज। इरेज करने के बाद यहाँ पर आप पुल कमांड से इसको बाहर तो निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इसको कलर दे देना, ठीक है। कलर देने के बाद आप इसको अब बाहर साइड पर निकालो। आप चाहे कोई भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपका काम आसान कर देगा ये, इसका आप ध्यान रखिए। आसान कैसे करेगा, तो यहाँ पर आप इन कलर्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। नहीं जानते कैसे रिप्लेस करते, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, वीडियो कमाल की बनी हुई है, जरूर चेकआउट करें। अब यहाँ पर बाकी जो अंदर वाले मटेरियल्स है उनको भी हम फटाफट से डाल देते हैं। लाइक अभी देखो, ये सबसे पहले मिरर का लुक है, यहाँ पर कुछ ऐसा एक शेड मैंने डाल दिया, फिर यहाँ पर ब्लू है तो इसके लिए एक अलग कलर डालते हैं, ये भी ब्लू कलर में है, ये भी ब्लू कलर में, इस तरीके से मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला, ये मिरर है। सो उसके लिए यहाँ पर मटेरियल का सैंपल लिया और यहाँ पर डाल दिया। सो ये सब करने के बाद, कलर सारे अप्लाई करने के बाद इन पे ट्रिपल क्लिक करोगे, इनको भी कर लेना एक ग्रुप में। ग्रुप बनाने के बाद मूव कमांड एक्टिव करना और यहाँ पर इनको ऐसा डाल देना, इनटू कर देता हूँ 4, जिससे इनकी 4 कॉपी जनरेट हो गई हैं। सेम इसी तरीके से मेरे को सेलेक्ट करना होगा मूव कमांड से, यहाँ पर ऊपर साइड पर जाएंगे और यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट। इनटू कर सकते हो आप अगर इनके मल्टीपल एरे जनरेट करने हैं तो।
सो या एक और इसकी कॉपी हम ले लेते हैं। अब आप कहोगे ये जो हम बना रहे हैं इसका साइज और यहाँ पर इसका साइज वेरी कर रहा है, तो मुझे लगता है एक और पहले हम जनरेट करते हैं फिर आगे समझते हैं, ठीक है। ऑल राइट, लेट मी जनरेट अ वन मोर कॉपी। अब ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां पर इनको भी कर लेता हूं मैं ग्रुप में। ग्रुप करने के बाद आप एक्टिव करोगे यहां पर रोटेशन कमांड को, और इसको हमें 45 डिग्री पे करना है, तो मैंने रोटेट कर दिया 45 पे। अब जो भी आपकी वॉल की साइज है उस वॉल को यहां पर कुछ इस तरीके से आप ले आना, और यहां पे परफेक्टली मैच करना जो भी आपका पर्टिकुलर डिजाइन है। सो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है मैचअप कर भी रहा है, और क्यों ना करे क्योंकि हमने बहुत प्रिसाइज वे में काम किया है। सब कुछ समझ में आ रहा है और वीडियो को लाइक जरूर करना। बिटवीन आप अपने डिजाइन को ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से मैनेज करना, या फिर मैं यूं कहूं कि इसको मर्ज करना, ठीक है। सब कुछ करने के बाद पुल कमांड लेना और कुछ इस तरीके से यहां पर बॉक्स को बाहर ले आना, ठीक है, लाइक दिस। यहां पर अब हमें क्या करना है, ट्रिपल क्लिक किया, इनको भी बना देते हैं ग्रुप में, और आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। करने के बाद दोनों ग्रुप्स को करना है सेलेक्ट, लेकिन उससे पहले इन ग्रुप्स के अंदर जाकर मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, राइट क्लिक करके इनको कर दूंगा एक्सप्लोड, जिससे ये सारे अलग अलग हो गए हैं। ये करने के बाद दोनों आप सिलेक्शन कर लो, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर वन ऑब्जेक्ट नंबर टू, राइट क्लिक करोगे, यहां एक ऑप्शन मिलता है कॉल्ड इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन और मॉडल। यहां पर आपको करना है विद सिलेक्शन के ऊपर क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो आपके पास ये एक थिन लेयर बनाकर दे देता है, आप यहां पर इसको सेलेक्ट करोगे बारीकी से, ठीक है। जितने भी यहां पर एरे हैं वो इस तरीके से कटिंग कर देगा जो भी आपके वॉल साइज है। कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा जिससे मैं यहां पर उसको काट पाया। अब यहां पर एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, और यस यहां पर एज वी कैन सी हमारा जो पैनल है वो यहां पर ड्रॉ हो चुका होगा। सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया मैंने, इसको बना दिया एक ग्रुप। ग्रुप कराने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पैनल हो चुका है रेडी। कंट्रोल ए क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करके मैं कर देता हूँ डिलीट। अगर आपको ये सीखना है, अच्छा ये भी है, इनको भी हम कर देते हैं ट्रिपल क्लिक करके डिलीट, या फिर कंट्रोल ए क्लिक करूंगा और यहाँ पर इनको कंट्रोल ए सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बाकी सभी को कर देता हूँ डिलीट। सो इस तरीके से आप बना सकते हो अपने पैनल को। एज वी कैन सी आप ये होता है स्मार्ट तरीका करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे जिससे आपका टाइम सेव होगा। सो या अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बिटवीन यहां पर अगर आप देखें तो कुछ राउंड फिगर्स भी दिख रहे हैं इसमें। अगर ये आपको सीखना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। सो यस, कोई भी डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो समझ में आई तो यार लाइक जरूर करना। राउंड सीखने के लिए ऊपर बटन हाईलाइट हो रहा है, जरूर उस वीडियो को चेकआउट जरूर करें। जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।